सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन यूआई 3.0 के कुछ अमेजिंग फीचर्स के बारे में। तो अगर आप लोग एक सैमसंग की यूजर्स हैं तो आप लोगों को ये वीडियो कंटिन्यू देखना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल फ्यूचर में आपको जो ये फीचर्स हैं अपने स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाले हैं, चाहे वो सैमसंग की एस सीरीज हो, चाहे वो नोट सीरीज हो, चाहे वो एम सीरीज हो, चाहे वो ए सीरीज हो। सो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कंटिन्यू देखनी चाहिए। सो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम लोकेश है और आप लोग देख रहे हैं सेशन यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर हम बात करें फर्स्ट फीचर के बारे में तो वो बहुत ही ज्यादा कमाल का है। आपका जो नोटिफिकेशन शेड है वो आपको पूरा ही डिफरेंट देखने को मिलने वाला है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। कुछ इस तरीके का जो आपका जो नोटिफिकेशन शेड है वो आपको देखने को मिलने वाला है। और डिफरेंस इसमें यह है कि आपका जो बैकग्राउंड है, आपका जो वॉलपेपर है, वो आपको यहाँ पे थोड़ा ब्लर देखने को मिलने वाला है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको मिला के एक बहुत ही ज्यादा अच्छा लुक देने वाला है नोटिफिकेशन शेड का। और एक छोटा सा डिफरेंस इसमें यह है कि जो मीडिया और इसका जो ऑप्शन देखने को मिलता है आपको नीचे मिडल में, वो आपको ऊपर टॉप में देखने को मिलने वाले हैं, कुछ इस तरीके के स्क्वायर शेप के अंदर। सो ऐसा तरीके का आपको जो चेंज है देखने को मिलने वाला है नोटिफिकेशन शेड के अंदर। तो दोस्तों, अगर हम बात करें सेकंड नए फीचर के बारे में तो वो आपको देखने को मिलने वाला है, जब आप लोग अपनी जो वॉल्यूम है उसको अप डाउन करोगे तो जो एनिमेशन देखने को मिलता है वो आपको कंप्लीटली डिफरेंट देखने को मिलने वाला है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। कुछ इस तरीके का जो एनिमेशन है आपको देखने को मिलने वाला है वन यूआई 3.0 के अंदर। चेंज बस इसमें इतना सा ही है कि पहले वाला जो वॉल्यूम का जो एनिमेशन आता था वो वन हैंड से यूज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, बहुत ही ज्यादा हार्ड था, लेकिन ये वाला एकदम से सिंपल हो गया है। और जो स्मूथनेस देखने को मिलती है आप लोगों को जब आप लोग वॉल्यूम को अप डाउन करोगे तो वो भी थोड़ी स्मूथ की गई है इसी वन यूआई 3.0 के नई यूआई के अंदर। सो दोस्तों, थर्ड अमेजिंग फीचर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए, क्योंकि लास्ट में जो फीचर्स आपको मैं बताने वाला हूं वो आपको कंप्लीटली डिफरेंट देखने को मिलने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आप बात कर लेते हैं थर्ड अमेजिंग फीचर के बारे में इसी वन यूआई 3.0 के अंदर। ये जो चेंज है वो आपको देखने को मिलने वाला है कॉल बैकग्राउंड के अंदर। जैसा कि आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, आप लोगों का जो कॉन्टेक्ट है आप उसका जो बैकग्राउंड है वो भी सेट कर सकते हो। और जो आपकी जो पर्सनल जो वीडियो है, डिफॉल्ट जो गैलरी में जो वीडियोज होती है वो भी आप लोग इसमें आसानी से सेट कर सकते हो। और जो उसकी जो साउंड होती है वीडियो की वो भी आप लोग अपने जो रिंग ट्यून है एज ए रिंग टून यूज कर सकते हो कॉन्टेक्ट्स की। तो ये एक बहुत ही अच्छा आपको कमाल का फीचर देखने को मिलने वाला है, एक यूनिक फीचर है जो आपको देखने को मिलने वाला है इसी वन यूआई 3.0 के अंदर। और इसमें अभी आपको टू ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। एक में जो आपको जो प्रोफाइल पिक्चर है उसको आप बिग कर सकते हो और एक में आप इसको स्मॉल कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा चेंज है आपको देखने को मिलने वाला है। और वही अगर हम बात करें नेक्स्ट चेंज के बारे में तो वो आपको देखने को मिलने वाला है रिसेंट एप्लीकेशन के अंदर। जैसा कि आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, जो एनिमेशन देखने को मिलता है आप जब रिसेंट ऐप को अप डाउन करते हो या फिर लेफ्ट राइट करते हो तो जो एनिमेशन देखने को मिलता है वो आपको थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलने वाला है। जैसा कि जो भी आपका जो होम पेज पे जो एनिमेशन आएगा वो आपको थोड़ा बिग दिखेगा और जो लेफ्ट और राइट वाले जो एनिमेशन है वो आपको थोड़े स्मॉल देखने को मिलने वाले। और अगर हम बात करें नेक्स्ट चेंज के बारे में तो ये वैसे ज्यादा बड़ा चेंज नहीं है, लेकिन आपको बता देता हूं मैं, जब आप लोग डार्क मोड को ऑन करोगे तो भी आपका जो बैकग्राउंड है वो आपको थोड़ा बहुत हल्का सा ब्लर देखने को मिलने वाला है। सो ये अगेन एक छोटा सा चेंज है आपको देखने को मिलने वाला है। अगर हम बात करें नेक्स्ट चेंज के बारे में तो ये आपको बहुत ही ज्यादा जो बड़ा चेंज है जो कि देखने को मिलने वाला है इसी कैमरा एप्लीकेशन के अंदर। सो मैं आपको बता दूं कि आपका जो भी कोई ऑब्जेक्ट है अगर आप उस पर फोकस करके रखते हो तो आप उसको लॉक करके रख सकते हो। अगर आप लोगों का जो फोन है वो अलग आपके फिंगर्स पे टच हो जाता है तो फोकस है वो कैमरा कहीं पे भी करने लग जाता है। तो आप लोग अपना जो डिफॉल्ट जो ऑब्जेक्ट है उसको आप लोग फोकस पे सेट करके रख सकते हो। सो ये एक जो अगेन चेंज आपको बड़ा चेंज है जो कि देखने को मिलने वाला है कैमरे एप्लीकेशन के अंदर। और अगर हम बात करें नेक्स्ट चेंज के बारे में तो वो आपको देखने को मिलने वाला है वॉलपेपर एप्लीकेशन के अंदर। आप लोग अगर जब अपना जो डिस्प्ले है उसको ऑन करोगे तो लॉक स्क्रीन में आपको थ्री कैटेगरी देखने को मिलने वाली है। फर्स्ट है जो कि है नॉन, और जो सेकंड है जो कि सैमसंग क्लाउड्स, उसमें सैमसंग से रिलेटेड जितने भी वॉलपेपर है वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। और जो थर्ड कैटेगरी है जो कि ऐड की गई है वो है डायनेमिक लॉक स्क्रीन। तो इसमें भी आप लोग अपनी जो कैटेगरी है जिसको कि सेट कर सकते हो, जैसे कि डॉग्स हो गई, स्पोर्ट्स हो गई, अलग अलग
आप लोग इसको सेट कर सकते हो। नेचर का भी आपको इसके एक ऑप्शन है जो कि देखने को मिलने वाला है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर लेना। दोस्तों अगर आप लोगों को अभी भी कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन मुझसे पूछ सकते हैं। पर्सनली अगर कुछ बात करनी हो फोन से रिलेटेड तो आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम की आईडी पे मिल जाएगी, आप लोग वहां से पर्सनली बात कर सकते हैं। सो बस दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।